दोस्तों ये जो वीडियो आपने देखा है ये मैंने इस इस लेंस से शूट किया हुआ है है पुराने जमाने में इस प्रकार के जो है, इनका सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता था लेकिन आजकल जबकि हाईटेक गैजेट्स अवेलेबल हैं इसके बावजूद भी ये जो लेंसेज हैं ये काफी पॉपुलर हैं तो इस वीडियो में मैं आपको इस लेंस के बारे में बताने वाला हूँ देखते रहिए सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो एनोमोफिक लेंसेज है ये होता क्या है आजकल जितने भी नए डिजिटल कैमरास मार्केट में अवेलेबल है ये वाइड एंगल मोड में शूट कर सकते हैं लेकिन पहले पुराने ज़माने में जो कैमरास होते थे वो वाइड एंगल मोड सपोर्ट नहीं करते थे तो उस ज़माने में इस प्रकार के जो लेंसेज हैं एनामोफिक लेंसेज इसका सबसे ज़्यादा उपयोग होता था तो ये जो एनामोफिक लेंसेज़ है ये थर्टी फाइव एम के जो फिल्म होते हैं उनमें वाइड एंगल मोड में शूट करते हैं तो बेसिकली सब कुछ लेंस में होता है क्योंकि ये जो लेंस है मान लीजिए जो थर्टी फाइव एम एम फिल्म है वो एक तरह से स्क्वायर में शूट करता है तो ये जो लेंस है उसी स्क्वायर में जो भी पिक्चर या वीडियो को शूट करेगा वो उसे स्क्वीज करके शूट करता है इसका फ़ायदा ये है कि जब आप इसे एज इज़ व्यू करेंगे तो जो वीडियो है वो एक तरह से स्क्वीज टाइप का आपको मिलने वाला है जब आप इसे डी स्क्वीज करेंगे तो एक तरह से आपको वाइड एंगल फॉर्मेट मिलता है तो पुराने जमाने में जब वाइड एंगल मोड कैमराज में अवेलेबल नहीं होता था तो इस प्रकार के लेंसेज का उपयोग किया जाता था आज की तारीख में जितने भी नए डिजिटल कैमराज मार्केट में आ रहे हैं वो वाइड एंगल फॉर्मेट सपोर्ट करते हैं और जो लेंसेज़ हैं वो भी आ गए हैं जो कि वाइड एंगल में शूट करते हैं लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो कि एनोमोफिक लेंसेज का उपयोग करते हैं क्योंकि ये आपको जो ट्रेडिशनल स्टाइल इफेक्ट्स है वो देता है इनफैक्ट जो एनोमोफिक लेंसेज होते हैं इनके कुछ पैरामीटर्स हैं जो कि वाइड एंगल लेंसेज फ़िलहाल तो अचीव नहीं कर पाते हैं इसके बारे में मैं आपको बाद में बताने वाला हूँ सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं मैं आपको बताता हूँ कि बॉक्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है ये है ट्वेंटी फोर एम एम एफ टू पॉइंट एट एनोमोफ़िक लेंस और ये सुरई या फिर इसे आप सुरे भी कह सकते हैं इनफैक्ट इसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन है सुरे तो ये सुरे ब्रांड का एनोमोफिक लेंस है और सबसे सस्ता एनमोफिक लेंस आप कह सकते हैं तो इस प्रकार की पैकिंग है और मैं आपको बताता हूँ कि बॉक्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है तो बॉक्स में आपको ये यूज़र मनल मिलने वाला है और ये काट दिया हुआ है और जो लेंस है ये देखिए इस प्रकार के पाउच में आता है तो जब कभी आप इस लेंस का उपयोग नहीं कर रहे हैं तो आप इस पाउच में इसे स्टोर कर सकते हैं और जो लेंस है ये देखिए इस प्रकार का है ये लेंस ये एनोमोफिक लेंस है वन पॉइंट डबल थ्री एक्स एफ टू पॉइंट एट ट्वेंटी फोर एम एम और एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि ये जो लेंस है ये काफ़ी हैवी है और इसका जो फोकस डिस्टेंस है इन्फिनी तक है फ्रॉम टू फीट तो दो फीट से आप फोकस कर सकते हैं टिल इन्फिनिटी और मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये देखिए ये अपर्चर रिंग के साथ में आता है यहाँ पर जिससे आप जो अपर्चर है उसे सेट कर सकते हैं और ये है फोकस रिंग ये बहुत ही स्मूद है और आप इजीली जो सब्जेक्ट है उसे फोकस कर पाएंगे इसका उपयोग करके और ये मैनुअल लेंस है जी हाँ दोस्तों मैनुअल लेंस है ऑटोमेटिक लेंस नहीं है और ये देखिए ये है लेंस कवर और जो लेंस है ये देखिए इस प्रकार का है सूर्य एनोमाफिक वन पॉइंट डबल थ्री एक्स और जो वीडियो आपने देखा है वो मैंने इसी लेंस से शूट किया हुआ है जहाँ तक माउंट का सवाल है अब डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार के कैमरे का उपयोग कर रहे हैं तो अकॉर्डिंगली आप जा सकते हैं सोनी हो कैनल हो तो उनके जो माउंट ऑप्शन हैं वो आपको मिल जाएगा तो दोस्तों ये जो एनोमाफिक लेंसेज होते हैं ये इतने सस्ते नहीं आते हैं इनफैक्ट ये जो सूर्य कंपनी का जो लेंस है ये कह सकते हैं कि सबसे सस्ता लेंस है और इसकी जो क्वालिटी है काफ़ी बढ़िया है जैसे कि आपने देख लिया तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो एनोमाफिक लेंसेज है ये क्यों यूज़ करते हैं इसके कुछ डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि जो दूसरे वाइड एंगल लेंसेज है वो अचीव नहीं कर पाते हैं जैसे कि इसका जो बोके इफेक्ट्स है ये काफ़ी अलग होता है क्योंकि जो इमेज है या जो वीडियो है उसे ये जब कभी शूट करता है तो उसे श्रिंक करके शूट करता है या कह सकते हैं कि स्क्वीज़ करके शूट करता है फिर आपको उसे डी स्क्वीज़ करना पड़ता है तो ये देखिए ये जो वीडियो मैंने शूट किया हुआ है ये एज इज़ इस तरीके से दिखने वाला है देख सकते हैं कि ये एक तरह से स्क्वीज़ टाइप का लग रहा है और जब आप इसे डी स्क्वीज करेंगे तो ये देखिए ऐसा दिखने वाला है और जब आप ये स्क्वीज़ डी स्क्वीज टेक्निक का उपयोग करते हैं तो जो बोके इफेक्ट्स हैं वो भी काफ़ी हद तक चेंज हो जाते हैं और खास करके जब बैकग्राउंड में लाइटिंग होगा तो जो इफेक्ट्स है वो काफ़ी अलग आता है अफकोर्स जो एस्पेक्ट रेशियो है वो भी काफ़ी हद तक चेंज हो जाता है तो जो नए डिजिटल कैमरास मार्केट में अवेलेबल है ये ऑलरेडी वाइड एंगल मोड में शूट करते हैं और अगर आप उनमें एनोमोफिक लेंसेज कनेक्ट करेंगे तो जो एस्पेक्ट रेशियो है ये और भी वाइड हो जाता है और ख़ास करके जो बोके इफेक्ट्स है जब बैकग्राउंड में कुछ लाइट होता है तो ओवल टाइप का बोके इफेक्ट आपको मिलता है जो कि एनोमोफिक लेंसेज की खासियत है और ये इसलिए होता है क्योंकि जैसे कि मैंने कहा जो वीडियो है उसे स्क्वीज करता है फिर आप उसे डिसक्विज करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि काफ़ी अलग लगती है इस लेंस के साथ में इस लेंस की एक और ख़ासियत ये है कि अगर आप इस पर लाइट सोर्स पॉइंट करेंगे तो आपको एक डिस्टिंक्ट लाइन दिखता है ब्लू लाइन दिखता है जो कि आपको सिर्फ एनामोफिक लेंसेज पर मिलता है वैसे ये जो इफेक्ट है आप आपका जो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है उसमें आप डाल सकते हैं बाद में किसी नॉर्मल लेंस का उपयोग करके लेकिन ऐसा इफेक्ट आपको ये जो एनोमोफिक लेंसेज है इसमें बाई डिफॉल्ट मिलता है और काफ़ी अमेजिंग लगता है आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो फिल्म्स हैं उसमें आपको लाइंस दिखते हैं जो बैकग्राउंड में लाइट्स होती है या फिर फोरग्राउंड में जो लाइट होती है उसमें लाइंस दिखते हैं वो जो शॉट्स है वो एनामोफिक लेंसेज से शूट किया हुआ है अब सवाल ये आता है कि क्या आपको इस प्रकार के एनोफिक लेंसेज खरीदना चाहिए वी के लिए देखिए ये बेसिकली टेस्ट पर डिपेंड करता है और वैसे भी ये जो लेंसेज़ हैं ये इतने सस्ते नहीं हैं आपके पास अगर वाइड एंगल लेंस है तो उससे काम हो जाएगा लेकिन जैसा कि मैंने कहा ये जो लेंसेज़ हैं इनका जो इफेक्ट्स हैं थोड़ा सा अलग है और अगर आपको उस प्रकार का इफेक्ट पसंद है तो आप इस प्रकार के लेंसेज़ के लिए जा सकते हैं अब ये जो लेंस है ट्वेंटी फोर mm, इसका प्राइजिंग है तकरीबन एटी के आसपास तो अगर आप ये लेंस ख़रीदना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ये लेंस आपको कैसा लगा कमेंट्स के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइए इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और देखते रही है